सूरत सिंगरपुर विस्तार में वीर पार्क सोसायटी में रहती 24 वर्षीय सरिताबेन जयकुमार पटेल शुक्रवार बपोरे पोताना घरे सूता हता। बाद में सांज सुधी उठ्या न हता, तेथी सासरियावाला तेने सारवार माटे नवीसल हॉस्पिटल लई आव्या हता, ज्यां फरज परना तबीबोए तेमने मृत जाहेर कर्या हता। घटनानी जाण थता ज पियरियावाला नवी सिविल हॉस्पिटल दौड़ी आव्या हता। तेमने सासरिया पर दहेज में पैसा मांगवानो आक्षेप कर्यो हतो। चार भाईओनी एक ने एक बहन हती सरिता। रक्षाबंधनना तहेवार पहेला बहेननुं मौत थता चारे भाईओमां दुखनी लागणी प्रसरी जवा पामी हती। अढ़ी वर्ष अगाउ ज परिवारोनी राजी खुशीथी लग्न करवामां आव्या हता। शरुआत तो सारी रही हती, परंतु छेल्ला केटलाक महिनाथी सरिता वारंवार पियर पक्षने फरियाद करवा लागी हती के सासरी पक्षमां तकलीफ पड़ी रही छे અને સરિતા પર અત્યાચાર કરવામાં આવી રહ્યો છે તેવું ખુદ સરિતાના પરિવારના સભ્યોનું કહેવું છે। નણંદ સરિતાના લગ્ન અઢી વર્ષ પહેલા જ વતન યુપીમાં થયા હતા। લગ્ન બાદ સરિતા સુરત પોતાના સાસરીમાં આવી હતી। ચાર દિવસ પહેલા સરિતાનો ફોન આવ્યો હતો, મને અહીંયાથી લઈ જાઓ, મારી નણંદ સાસુ અને પતિ મને માનસિક હેરાનગતિ કરે છે। उसके बाद एक साल सही से चला रहे थे, फिर उसके बाद सताने लगे, झगड़ा उगड़ा करने लगे। हाँ, उस दिन फिर झगड़ा करके मारे हो रहे थे, बुलाए थे कि भाभी मुझे आके ले जाओ, गए लेके आए। फिर हम लोग उसको समझा के बोले घर परिवार है, अच्छे से रहो बच्ची, हम लोग उसको पहुंचा दिए। फिर दो ही दिन बीता, उन लोग उसको गला ही घोर के मार डाले, जाओ दे दिए। और बोल रहे थे कि जल्दी आओ, दवा खाना ज़्यादा सीरियस है। क्यों दवा खाना, हम लोग को बुलाना चाहिए घर पे ना, क्यों आए नहीं बुला, इधर लेके आई थी। बोल रही तुम्हारी बहन जहर खा ली, घर से कहीं बाहर भी नहीं निकलती है, कभी एक रुपए के शैम्पू नहीं लेने देती उसकी सास। उसकी सास जो है उसकी ननद और उसके घर वाले, वो तीनों लोग झगड़ा ही करके मारे थे उस दिन। तब मेरे पास फोन लगाई थी कि भाभी ऐसे ऐसे बात हुआ है, भाई ने कहो मने लई जाए। त्यार बाद राम पोतानी बहन सरिता ने लई आव्या हता ने समझावीने परत मुकी आव्या हता। नाम बताओ। रामू पटेल। मैं ये बोलना चाहूंगा कि बहन का मेरे पे फोन आया था, आओ मेरे को लेके जाओ, मैं अपने ससुराल में थी, मैंने उसको लेने गया, लेके आया वहाँ से, तो यहाँ पे आके अपनी भाभी को बता रही थी कि भाई उसके साथ जो हुआ वो सब इनको बताई, तो मैंने उसको फिर समझा बुझा के 9 तारीख को छोड़ के आ गया, तो अपने 10 तारीख को 10-11 बार हो गया अपना गला दबा के मार दिए। फोन आया था मेरे को तो वो लोग बोले कि तबीयत खराब है, मैं सिविल लेके आ रहा हूँ, यहाँ आके देखा तो मरी पड़ी थी, अपना रिपोर्ट में भी लिखा हुआ कि यहाँ आने से पहले मर चुकी थी। सासरिया पर दहेज माटे मारपीटनो आक्षेप सरिताना परिवारे कर्यो छे। सासरियाना त्रासना कारणे सरिताए आत्महत्या करी लीधी छे, तेथी सरितानुं नवी सिविલ હોસ્પિટલમાં પેનલમાં ફોરેન્સિક પીએમ કરવામાં આવ્યું છે। સિવિલ હોસ્પિટલના તબીબોએ જરૂરી વિસેરા સેમ્પલ લીધેલા છે, વિસેરા રિપોર્ટ બાદ મોતનું કારણ જાણવા મળશે। સમગ્ર કેસમાં પોલીસે જણાવ્યું કે મૂળ યુપીની જોનપુરની વતની સરિતાના લગ્ન અઢી વર્ષ પહેલા વતનમાં જયકુમાર સાથે થયા હતા અને પતિ સંચા ખાતામાં કામ કરે છે। સરિતાના ભાઈઓના આક્ષેપના કારણે સાસરિયા પર શારીરિક અને માનસિક ત્રાસ અને દુષ્પ્રેરણાની ફરિયાદ ચોકબજાર પોલીસ સ્ટેશનમાં દાખલ કરવામાં આવી છે। ચોકબજાર પોલીસ સ્ટેશનમાં સુનિલકુમાર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ પટેલ નામ દ્વારા પોતાની બહેન સરિતા કે જે પોતાના સાસરીમાં હતી અને તેમના સાસરિયાઓના ત્રાસના કારણે તેને કોઈ અઘટિત પગલું ભર્યું હોય તે પ્રકારની 498-306 મુજબની ફરિયાદ ચોકબજાર પોલીસ સ્ટેશનમાં દાખલ કરાવેલ, જે ફરિયાદને અનુરૂપ તેનું પોસ્ટમોર્ટમને પેનલ ડોક્ટરથી કરાવવામાં આવેલ અને તેના રિપોર્ટના આધારે આગળની તપાસ કાર્યવાહી હાલમાં ચાલુમાં છે। બ્યુરો રિપોર્ટ, LK સ્ટાર ન્યૂઝ, સુરત।